सब लोग बिल्कुल ठीक हो गए। सो यस गाइस, वेलकम बैक टू YouTube चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर अनदर अमेजिंग व्लॉग। सो यस गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइबर चैनल सिस्टर सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को ऑन करो, जिससे होता है हमारी जो भी अपकमिंग वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो यस गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल स्पेशल की वीडियो के साथ, मजे की वीडियो के साथ। आप लोगों ने वीडियो स्पेशल सी वीडियो के साथ और बहुत ही मजे की वीडियो के साथ। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, अच्छे बच्चों की तरह। ओके एंड यस गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा था हमारे रिसेंट ब्लॉग में मेरे पेपर्स वगैरह हो रहे हैं और मैथ के पेपर हो गया हली वली, ठीक है। और उसके बाद आज गाइज, कल मुझे ऑफ है और उसके बाद मेरा है उर्दू का पेपर। सो यस, अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कल ऑफ था, मैंने सोचा कि रात की ब्लॉग शुरू कर लिया जाए और आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया जाए, क्योंकि यू नो आप लोगों से शेयर ना करूँ तो सारा दौड़ते कहती है। अभी ब्लॉग ऑफ था ना जब कैमरा ऑन नहीं किया था, कहती है जब आप इनके साथ कुछ शेयर ना किया जाए तो फिर दिल में जुए दौड़ते हैं, उनके साथ दिल में जुए दौड़ते हैं। तो बस ऐसी गाइस, अभी मैं उर्दू की तैयारी करने लगी थी, मैंने सोचा उससे पहले आप लोगों के साथ मतलब यू नो ब्लॉग कंटिन्यू कर लिया जाए। और यस गाइस, मेरी दोस्त मुझसे पूछ रही कि यार ये अहमद कौन है, मैंने कहा है, कहती हाँ तो ब्लॉग में अहमद रहता ना वो कौन है, और ऐसा रूप दिया हुआ था सारा किसी सारा कह रही हूँ मतलब ऐसा रूप था अहमद का कि सबको पता ही नहीं चल रहा था कि हु इज अहमद एंड तो सारा गायब होती थी उस ब्लॉग में। सो यस गाइस, मैंने फिर से बताया कि यार जो ब्लॉग्स हमारे रिसेंट देखते आए, जो हमारे ओल्ड ब्लॉग्स देखते होंगे उनको पता चलेगा कि हु इज अहमद। एंड यस फॉर लविंग द ब्लॉग्स, और जो लोग कहने लगे थे आपके ब्लॉग्स बहुत मजे के हैं, ये तो वो ऐसे वैसे मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड थैंक यू सो मच। एंड यस गाइस, अभी तैयारी करने लगी हूँ, ऑलरेडी अलीजा जो अभी शॉपर लेके आई थी, अपने बाल ड्राई कर रही है, वेट कर रही है कैमरा बंद हो, मैं ड्राइव चलाऊँ ड्रर करके तो शोर मचाऊँ, ठीक है। और ये सारा आय हाय सासन क्या बनी हुई हो सर, यहाँ पे टीवी वगैरह देख रही थी इनका। गाइस आप सबको भी पता होगा इन लोगों ने स्कूल ज्वाइन करना है, लाइक यू नो दूसरी जगह एडमिशन करवाया था तो उसकी क्लासेज अभी स्टार्ट नहीं हो रही, एक दो महीने तक हो रही है शुरू, तो सारा लीजिए तब तक फ्री घर है, तो मामा को थोड़ी सी ना हो रही है कि ये लोग घर क्यों हैं, जा कि नहीं रहे मामा, क्या हो रही है, इचमी हो रही है मामा को कि लोग घर क्यों हैं, जा क्यों नहीं रहे। मामा कभी कहती हैं इनको मदरसे डलाए, कभी कहती हैं इन सामने स्कूल है, वहां डलाए, कभी कहती हैं किसी अकेडमी में ज्वाइन कर लो आप लोग ताकि वहां जाकर अपनी कंटिन्यू करो स्टडी, और इसके बाद फिर आप लोग सही वाली क्लासेस ले लेना, लेकिन दो महीने आप लोगों ने घर में फ्री नहीं रहना जो मर्जी हो जाए। तो देखते हैं इनका क्या करना, मैंने कहा मामा जी इनको सामने स्कूल है वहां भेज दें, अगर थक गए तो वहां से ही आ जाएंगे क्लास छोड़ के। सर हम थक गए मैम, जरा घर से हो क्या है तो फिर घर आ जाना करना, फिर वापस वहां चले जाना करना, हमारे घर के सामने को स्कूल ना। और इस तरह एक दफा गाइस मैं आप लोगों को बड़ी मजे की बात बताती हूँ, जब मैं फोर्थ क्लास में थी ना तब मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन की थी ट्यूशन वगैरह, तो तब मेरी पोजिशन नहीं आई थी, वो बचपन की बात कर रही हूँ अब तो बात ही ना करो और तो गाइस मतलब बहुत ज़्यादा इतनी मेमोरीज हैं, इंशाल्लाह कल बैठ के आप लोगों को सुनाएंगे सारी बातें वगैरह, अगर आप सुनोगे तो ठीक, वरना तो बात हाँ गाइस। अच्छा नीचे कमेंट्स पे आ रहे थे नूडल्स आगे हंसने वाली इमोजी है, तो वो तो मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, इन तीनों ने मेरे बगैर नूडल्स खाए थे तो उनका उसका बदला मैं लूंगी इन तीनों से। सो गाइस हम लोग अपनी किताबें में हाँ मैं खाती हूँ, लेकिन आप तीनों ने यहाँ बर्तन भी रखे हुए थे, मतलब मुझे तो खाने के लिए आप लोगों ने बर्तन भी यहाँ रखे हुए थे, हम बहुत हर ड्राम और गाइस अब मैं भी हर ड्राम, तो ऐसी वो पड़ी हुई हमारे बुक्स और कुछ मेरे बैग में पड़ी हुई है, तो इन लोगों ने एसी भी चला लिया। और मजे की बात आज तो बारिश हुई, आप लोगों ने क्यों एसी चलाया हुआ, मामा ने देख लिया ना मामा, गाइस आपके घर में इस तरह होता है कि नहीं, पापा तो कुछ नहीं कहते लेकिन मामा होती है वो यही कहते, बाहर वे कि अच्छा मौसम है तो तू एसी ला के बैठे दो, एसी बंद करो, एसी बंद करो, एसी आपने नहीं बताना है, कमेंट में बताते हैं गाइस, जिसका जिसको इसका नाम पता ना वो कमेंट में बताए, एंग्री बर्ड शाबाश बेटा, यार तू कभी बातें में दो, सॉरी सॉरी कट, मैंने तुम्हें बोला भी है, अच्छा ठीक है ये कट करना, ओके नहीं मैं तो नहीं कर, तुम अभी एंग्री बर्ड लग रही है आज तो बर्फ भी गिरी थी, ओलेश्वर जिसे कहते हैं वो भी गिरी और बढ़ती तेज बारिश हुई थी। चल जो भी गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम किताबें निकालो पढ़ो बैठ के, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफी टाइम जाया कर लिया है। हाँ जी गेम खेलने के लिए जा रहा है, गेम खेलने जा रहा है, उल्टा कर दिया भाई, यहाँ पीके गर्ल्स यू नो सब्सक्राइबर चैनल नहीं सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल पीके गर्ल्स, इसे फ्लिप करेंगे तो फिर सही हो जाएगा, फिर आएगा सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल पीके गर्ल्स। हम लोग आए हैं किचन में,
डॉग रोज़। मुझे ना सबसे ज़्यादा ना मज़े का पार्ट ना यही लगता है जब मैं ऐसे व्लॉग बनाती हूँ और फिर किचन में आ रही हूँ, किचन में देखती हूँ क्या बना हुआ। और आज मामा ने गाइस दूसरी दाल बनाई हुई है, दाल चावल, और किसी के खाने का कोई मूड नहीं है क्योंकि कल मामा ने दाल गोश्त बनाया था और आज मामा ने फिर से दूसरी दाल बना दी है। तो हाँ मम्मी जो होती है गाइस, मैं आप लोगों को बताऊँ, ये कोई इतनी वो बात नहीं कि घर में दाल वगैरह बनती है। मामा ने बनाई हुई है मसूर दाल, मसूर की दाल होती है ना, मसूर क्या होती है, मसर की दाल, वो बहुत मज़े की होती है। लेकिन हमारे घर में भाई नहीं खाता और मतलब पता नहीं कौन कौन नहीं खाता, बट बहुत मज़े की होती है। चावलों के साथ खाओ, सिंपल जो वाइट राइस होते हैं उसके साथ खाओ, मज़ा आता है। साथ अगर खट्टा प्याज हो, मुझे नहीं पता आप लोगों को पसंद है या फिर खाते हो कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैं भी ये खाऊँगी। लेकिन भाई, अब भाई की भी मुझसे बात हुई है तो भाई बाहर है, मैंने कहा भाई आते हुए क्या ला रहे हो, कहते क्या खाना है, मैंने कहा भाई कुछ भी ले आओ लेकिन ले आओ, क्योंकि बाहर पानी वगैरह खड़ा हुआ है, फूड पाना से कुछ भी ऑर्डर नहीं होना, तो हम लोग कर भी नहीं रहे और सब कुछ बंद भी हो गया इस टाइम। तो भाई कहते मैं आते हुए देखता हूँ पिज्ज़ा फ्राइज वगैरह कुछ भी मिलता है या फिर कोई खुली हुई अच्छी शॉप, तो मैं वहाँ से रेस्टोरेंट से जाकर ले आता हूँ। और तब तक हम लोग थोड़ी सी मसूर की दाल और साथ चावल खाते हैं। लेकिन इसके साथ जो कंपल्सरी चीज़ है वो प्याज, टू अमेजिंग, बहुत मज़े की बनी हुई है और खाने का भी अपना ही मज़ा आया। मैं खाए अपने चावल और इसी के साथ साथ भाई लेकर आ गया हमारे प्यार से पिज़्ज़ा, थैंक यू भाई, यम्मी यम्मी पिज़्ज़ा आओ लेकर आ। अच्छा लग चलिए चावल के बाद पिज़्ज़ा को और मज़ा आएगा। तुम भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ। चलो गाइस बड़े वाला अभी हम किचन चेक कर लें और इसके बाद फिर आप लोग कैसे मिलते हैं, बल्कि मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखाती हूँ है कैसा। वैसे क्या, ओ टेबल टेबल ये आपको बता, आप ने मुझे मुझे ला के दिया ना चावल, तो मेरे लिए पिज्जा आ गया। दिखने में इतना अच्छा नहीं जितना खाने में, इसका टेस्ट अच्छा है। तो बिस्ती कर दी, मजा लो, क्लोज कर दो ऐसे ऑन। एक आंख फायदा नहीं लगा हुआ तो आपको मगरी पिज्जा पार्टी कर ले, उसके बाद फिर आपको कुछ मिलता। ऐसे चला दे, बहुत तेज हो रहे हो। अच्छा गाइस मैं आपको बता देती हूँ, मैं भी बैठ के पढ़ रही थी तो अजान होगी, हम लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं और उसके बाद मैं थोड़ी देर तक सो जाऊंगी क्योंकि तैयारी भी करनी है सी। तो हम लोग नमाज पढ़ लें, उसके बाद हम लोग दोबारा पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे ताकि थोड़ी तो तैयारी हो जाए और फिर बाद में हम लोग करेंगे सुबह उठ के। बहरहाल तो इतना कोई प्यारा मौसम हो गया और अजानें हो रही हैं और फुल ठंडा मौसम बाहर भी, लेकिन रूम में बहुत गर्मी है। ये देखिए ये भी अभी चावल खा रही है, मेरे साथ चला के यहाँ इतना चुपा के रही है। नहीं पहले खाओ चावल, तो बोल क्यों नहीं रही। नहीं बोलो खाओ अभी जल्दी से। मैं लगा ली मॉइस्चराइजर, नमाज वगैरह पढ़ ली थी और अब हम सब सोने लगे हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे आप लोगों को सुबह लाइक दोपहर में, ठीक है। सो या स्टे कनेक्टेड, गुड नाइट। 2000 years later. Good morning, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग उठ गए हैं और लाभ हैं इस रूम की सफाई करने लगी हुई है। और गाइस अब मैं पढ़ने लगी, हम लोगों ने नाश्ते वगैरह कर लिया था। गाइस इसने कैमरा ऑन कर दी, मैं पढ़ रही थी, मैंने कहा था कैमरा मत लाओ, मेरा पढ़ाई का ध्यान कहीं और इसलिए आपकी हालत से पता चल रहा है। आप लोग बताती हूँ गाइस, मैं उठी मैंने मुँह हाथ तक नहीं धोया, ठीक है, और मैं खाना नाश्ता वगैरह किया ऐसे ही और आगे पढ़ने बैठ गई, ठीक है। तो हम लोग चेक शेयरी कर लें, तो यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं। आप लोगों तो ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, एंड प्लीज इग्नोर मैं हालत क्योंकि हर कोई हालत ऐसे होती है घर में, ठीक है। जो होते नहीं प्यार में पढ़ने वाले एक घंटे वाला पढ़ने वाले बच्चे मैं वैसी हूँ। सो मिले आप लोगों को नेक्स्ट सारे जो सारे यहाँ बैठी हुई थी, और ये सब गाइस बहुत बुरे हैं, सबसे कट्टी 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 कट्टी। और गाइस आप लोग बताओगे इनके साथ मैं कोई प्रैंक करूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, हमें पता चल जाएगा, पता चल जाता है।
सीरियस गाइस मिलेंगे आप लोग, सॉरी सो गाइस मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे पता है आप लोग ने देख के क्या हो गई पागल, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मेरी मामा भी यही बातें करती हैं, यही पागल है। मतलब बात करने पूरी करो, ये कौन सी चूस मारता आप लोग गाइस, आपने गाइस आपने सीरियस गाइस बहुत फजूल हो गया। ओके सो गाइस मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ, मेरी ख्याल रखो और दुआ में याद रखो, एंड यस मेरी दुआएं भी कहने तक मेरा पेपर अच्छे अच्छे हों, प्यारा प्यारा हो, चीटिंग शीटिंग हो जाए। सो मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टाटा सी या।